रुचिगंज थाना स्थित गंज मंडी में 2 फरवरी से भागवत गीता वाचन का कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें कि वृंदावन से सुप्रसिद्ध देवी चित्रलेखा का आगमन दुर्ग में होगा। ये कार्यक्रम 2 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी दुर्ग में पहली बार हम सबके बीच में वृंदावन से देवी चित्रलेखा जी भागवत कथा का वाचन करने के लिए पुरानी गंज मंडी गंज पारा दुर्ग में दिनांक 2 फरवरी से 8 फरवरी तक उपस्थित रहेगी। उनके श्री मुख से सुंदर भजनों के साथ साथ यह प्रस्तुति होगी। कथा का पूरा वर्णन पहले जन्म से लेकर कृष्ण भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन झांकी के रूप में भी यहाँ पर किया जाएगा। मथुरा वृंदावन के बहुत सारे कलाकार जिनके द्वारा यहाँ पर कुल की साज सज्जा और विशेष साज सज्जा की जा रही है। पंडाल में भी लगभग 5 से 7 हजार धर्म प्रेमियों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। पानी की, शौचालय की सारी व्यवस्था नगर निगम और शासन प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। दुर्ग शहर की जनता के लिए, पूरे जिले की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। सभी ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके, इसलिए आयोजकों द्वारा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, और जो धर्म प्रेमी वहां बैठ आ नहीं सकते, जिनको आने जाने की असुविधा हो, निम्न परिवार का हो, उनके लिए आयोजकों द्वारा वाहन की व्यवस्था भी की जा रही है। किसी भी आयोजकों के फोन नंबर पर संपर्क करके वे अपने आने जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसका आयोजन का प्रारंभ 2 फरवरी को सीताराम मंदिर से कलश यात्रा के साथ चालू होगा, जिसमें लगभग 200 महिलाओं से ज्यादा महिलाएं कलश लेकर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेगी। कलश यात्रा में देवी चित्रलेखा जी भी साथ साथ होगी। कलश यात्रा के पश्चात थोड़ी देर विश्राम के पश्चात पुनः 4 बजे से 2 फरवरी को यह कथा का आरंभ होगा।